प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। चुनाव उत्तराखंड में, चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, जीतने वाली है कांग्रेस पार्टी। और हमारे कार्यकर्ताओं में भी बहुत जोश है। आप लोग ही जिताते हो, आप लोग हमारा झंडा उठाते हो, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की जनता को देश की हालत दिख रही है। मैंने कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में बोला कि एक देश के दो देश बनाए जा रहे हैं, एक हिंदुस्तान के दो हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज दो देश बना रही है, एक देश चुने हुए अरबपतियों का, 100-200 लोगों का देश, उसमें प्राइवेट हवाई जहाज, मर्सिडीज गाड़ी, जो भी आप चाहते हो आपको मिल सकता है। किसानों का खेत चाहिए वो मिल जाएगा, BHL को प्राइवेटाइज करवाना होगा वो हो जाएगा, बिजली पानी जो भी आपको चाहिए उस हिंदुस्तान में आपको मिल जाएगी। और दूसरा हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान, किसानों का हिंदुस्तान, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, युवाओं का हिंदुस्तान, करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान, उसमें अगर आपको रोजगार चाहिए रोजगार नहीं मिल सकता। नोटबंदी, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आप दूसरे हिंदुस्तान के हो, आप बैंक के सामने खड़े थे, नोटबंदी में आपने एक अमीर व्यक्ति को लाइन में देखा? एक अरबपति खड़ा था लाइन में। गलत GST जो लागू की उससे अरबपतियों का नुकसान हुआ, छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ, गरीब लोगों का नुकसान हुआ। कोरोना के समय में उत्तराखंड ने पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ा। कुंभ मेला में कोरोना की टेस्टिंग हुई, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जो लोग धर्म की बात करते हैं उन्हीं लोगों ने कुंभ मेला में फेक टेस्टिंग करके आपसे पैसा चोरी किया है। तो दो हिंदुस्तान, हाँ ये देखिए, ये दूसरी बात है। आमतौर से एक मुख्यमंत्री बनता है, अच्छा भ्रष्ट होता है तो उसको बदल देते हैं, मगर पहली बार यहां पे तीन तीन मुख्यमंत्री बने हैं। तीन तीन मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार का इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दिलवाऊंगा, जहां भी जाते थे 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। देखो हंसी आ रही है, अब हंसी आ रही है, उस टाइम हंसी नहीं आ रही थी।
उस टाइम उत्तराखंड की जनता को हंसी नहीं आ रही थी। उस टाइम 15 लाख रुपए बैंक में आने थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी। क्या हुआ? मिल गए रोजगार? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया? 15 लाख रुपए आ गया बैंक अकाउंट में? अच्छा, 15 लाख रुपए आपको नहीं दिए, नोटबंदी में आपके जेब से निकाल के ले गए। कोरोना के समय देखिए, कोरोना के समय कहते हैं लाखों लोग मर गए, कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ, पहले थाली बजाओ, फिर फोन की लाइट जलाओ और फिर मर जाओ, पहले थाली बजाओ, फिर लाइट चलाओ और फिर मर जाओ। क्योंकि जब आपको ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत होगी, अस्पताल की जरूरत होगी, तो फिर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आपको नहीं दिखाई देगी, फिर आप आगे पीछे कांग्रेस पार्टी को ढूंढोगे। कांग्रेस पार्टी के लोग कहां हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग आपको सिलेंडर देंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग आपके साथ खड़े होंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग आपको अस्पताल एम्बुलेंस में ले जाएंगे। बीजेपी वाले उस समय नहीं दिखाई देंगे जब पूरे देश का मजदूर दिल्ली से, बेंगलोर से, बंबई से उत्तर प्रदेश बिहार की ओर जा रहा था। बीजेपी कहां थी? घर में। कोरोना आया, डर गए, छुप गए घर में जाके। कांग्रेस पार्टी सड़कों पे थी, कांग्रेस पार्टी मजदूरों को बस दिलवा रही थी। बीजेपी ने कहा रेलवे टिकट नहीं मिलेगा, बस का टिकट नहीं मिलेगा, बस बंद कर दी, ट्रेनें बंद कर दी। कांग्रेस पार्टी ने मदद की, मजदूरों की मदद नहीं की बीजेपी ने, मगर कोरोना के समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का टैक्स माफ किया। मैं पूछता हूं आपका कितना टैक्स माफ किया? उत्तराखंड की जनता का कितना टैक्स माफ किया? तो अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हमने 4 वायदे आपसे किए हैं। 4 धाम, 4 काम, और ये नरेंद्र मोदी वाले काम नहीं है, ये झूठे वायदे नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ के चुनाव में ऐसे ही भाषण में हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान के लिए 2500 रुपए रेट मिलेगा। बीजेपी के लोगों ने कहा कभी नहीं मिल सकता। आप जाइए छत्तीसगढ़ जाइए, पूछ लीजिए किसानों से, 2500 रुपए धान के लिए आज छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफी का वायदा किया, कर्जा माफी करके दे दी। तो हम 4 वायदे कर रहे हैं आपसे, और भी हैं मगर हमारे मेन 4 वायदे हैं, 4 धाम 4 काम। पहला कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि अगर मैं यहां आपको कहता कि भैया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा वो झूठ होता, मगर हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और इस प्रदेश में आपको सिलेंडर 500 रुपए से कम का मिलेगा।
2-3 दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में न्याय योजना का अनाउंसमेंट करा मैंने किया। मैंने दो हिंदुस्तान की बात की, नरेंद्र मोदी जी एक अमीरों का हिंदुस्तान बना रहे हैं, दूसरा गरीबों का। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, और हम ये दो हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे। इसीलिए यहां पे उत्तराखंड में और जहां भी हमारी सरकार बन रही है वहां पे हम न्याय योजना लागू करेंगे। न्याय योजना एक ऐतिहासिक कदम है। 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए साल के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। गरीबी को हम उत्तराखंड से हमेशा के लिए मिटा देंगे। और आखिरी वायदा स्वास्थ्य की सर्विस हम आपके दरवाजे तक पहुंचा देंगे। आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, आपको दरवाजे के सामने दवाई, डॉक्टर, एम्बुलेंस कांग्रेस पार्टी पहुंचा के दिखा देगी। जहां गाड़ी वाली एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी वहां पे हम मोटरसाइकिल वाली एम्बुलेंस लगा देंगे। और अभी देवेंद्र यादव जी ने मुझे बोला कि हम सिर्फ मोटरसाइकिल वाली एम्बुलेंस नहीं लगाएंगे, जहां मोटरसाइकिल नहीं पहुंच सकती वहां हम ड्रोन से दवाई पहुंचा देंगे। मगर मैं आपको देखिए एक बात उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड की जनता को बताना चाहता हूं। आज मैंने किसानों को भी यह कहा, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और एक साल के लिए हिंदुस्तान के किसान सड़कों पे खड़े थे, कोरोना के समय ठंड में इस देश के किसान खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून लागू किए। कानून किस चीज के थे? कानून का लक्ष्य क्या था? कानून का लक्ष्य किसानों की आमदनी, किसानों की मेहनत, किसानों की शक्ति को नरेंद्र मोदी छीनकर 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों को देना चाहते थे। और किसानों ने कहा कि हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, हम वापस नहीं हटेंगे, आपको जो करना है करो। और अंत में नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी की सरकार को पीछे हटना पड़ा। यह आप सबने देखा। मैं आपको यह बात बता क्यों रहा हूं, क्योंकि एक साल हिंदुस्तान के किसान खड़े थे, नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात तक नहीं की, उनसे पूछा भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी के दरवाजे हिंदुस्तान के किसानों के लिए बंद थे। ऐसी सरकार कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चला सकती है।
हमारे मंत्री, इनके दरवाजे उत्तराखंड की जनता के लिए आपको बंद कभी नहीं मिलेंगे, आपको खुले मिलेंगे। और हम उत्तराखंड की जनता के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, हम उत्तराखंड के किसानों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, युवाओं के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहां आपके साथ मिलकर, आपकी बात सुनकर काम करना चाहती है। उधर नरेंद्र मोदी जी, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री जनता से बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनता की आवाज सुनता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी के राजा हैं। प्रधानमंत्री नहीं है, हमें वो चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो जनता के बीच में जाए, आंधी तूफान में, बारिश में जनता के बीच में जाए, जनता से बात करे, जनता से गले लगे, जनता से पूछे जनता की कठिनाई क्या है, और जनता की बात सुनकर काम करे। वैसा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी आपको देगी। तो ये मैसेज मैं उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के युवाओं को देना चाहता हूं। सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। ये जो आपने भ्रष्टाचार सहा है, कुंभ मेला में जो आपने देखा, कोविड के समय आपने देखा, झूठे वायदे जो आपने सुने, ये हम नहीं करेंगे। हम आपके लिए काम करेंगे, उत्तराखंड को बदलने का काम करेंगे, और आपके साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, देखो ये बात आप अच्छी तरह सुन लो। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनाएगा? उत्तराखंड की जनता बनवाएगी, मगर खून पसीना आपका होगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनाएगा। मैंने जनता की बात की, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, अगर अगर दरवाजे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के लिए नहीं खुले होंगे, फिर मैं देखूंगा। धन्यवाद।